दुमका नगर थाना प्रभारी नीतीश कुमार के प्रशिक्षण में जाने से नए नगर थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह ने योगदान दिया। नगर थाना प्रभारी पद संभालते ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों ने अपनी सुझाव दिए। वहीं बैठक में शहर में बिक रहे अवैध रूप से प्रतिबंधित गुटखा पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। कॉमर्स मनोज घोष ने कहा कि नए थाना प्रभारी सब पुलिस इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह का हम लोग स्वागत करने आए हैं। शहर में जो भी रूट लाइन या जो भी गतिविधि है उनसे इनको अवगत कराने आए हैं। सरकार द्वारा प्रतिबंधित गुटखा बेचे जाने के सवाल पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज घोष ने कहा इसके लिए फूड सेफ्टी पदाधिकारी आए हैं और वो शहर के सभी दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं और उन पर जुर्माना भी लगा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ अलग बयां कर रही है। शहर में बिक रहा है सरकार द्वारा प्रतिबंधित गुटखा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कहीं न कहीं इस पर कॉमर्स की मिलीभगत हो सकती है। दुमका से ऑगस्टीन हेमराम की रिपोर्ट। थाना में हमारे नए थाना प्रभारी का पदस्थापन हुआ है। पुलिस निरीक्षक सर थाना प्रभारी हमारे नवल किशोर सिंह जी पूर्व में मुंशिल थाना में भी रहे हुए हैं। हम लोग चैम्बर की तरफ से इनको स्वागत करने के लिए आए हैं और शहर में रूट लाइन या जो भी गतिविधि है से इनको अवगत करने के लिए आए हैं। इनका भी सहयोग मिलता रहे और पूरा चैम्बर का भरपूर सहयोग इनको हम लोग हमेशा देते रहे। एक चीज आप लोग बंद कर रहे हैं, सरकार द्वारा जो प्रतिबंधित गुटखा गुटखी सब बिक रहा है वो बंद स्कूल नहीं बिक रहा है अभी ला देखा किसी पे का तो हम नहीं कह सकते, नहीं खुलेआम बिक रहा है लेकिन अभी सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध है और इस पे फूड सेफ्टी इस बात को रखे ना फूड सेफ्टी पदाधिकारी आए हुए हैं। वो अपने स्तर से हर दुकान जांच कर रहे हैं, पकड़े जाने पर उनके द्वारा कड़ा फाइन का प्रावधान है, वो जांच कर रहे हैं। अब कौन छिपा के कर रहा तो हम नहीं देख पा रहे हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।